उज्जैन के महाकाल मंदिर में आज से शिवनवरात्रि की शुरुआत हो गई है। 9 दिन बाबा महाकाल के अलग अलग स्वरूपों में श्रृंगार उनका किया जाएगा। बाबा महाकाल का आज चंदन भांग स्वरूप में श्रृंगार किया गया। अगले 9 दिन बाबा की विशेष पूजा होगी। वहीं शिवरात्रि को भक्त 24 घंटे बाबा के दर्शन कर पाएंगे। उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर, जहां बाबा के दर्शन से पापों का न केवल नाश होता है बल्कि हर मनोकामना पूरी होती है। विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए दूर दूर से भक्त पहुंचते हैं। आज से महाकाल मंदिर में शिव नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। शिव नवरात्र में बाबा का अलग अलग रूपों में 9 दिनों तक श्रृंगार किया जाएगा। पहले दिन बाबा का चंदन और भांग स्वरूप में श्रृंगार किया गया। 1 मार्च को शेष नाग रूप में श्रृंगार होगा तो 2 मार्च को बाबा घटाटोप रूप में दर्शन देंगे, जबकि 3 मार्च को बाबा को छबीना रूप में सजाया जाएगा। 4 मार्च को बाबा का होलकर श्रृंगार किया जाएगा। 5 मार्च को महाकाल मन महेश के रूप में अपने भक्तों को दर्शन देंगे। 6 मार्च को बाबा महाकाल का उमा महेश स्वरूप में दिव्य श्रृंगार किया जाएगा। 7 मार्च की बात करें तो बाबा शिव तांडव रूप में नजर आएंगे। इस पर्व का बड़ा महत्व है। नवरात्रि के 9 दिन के रूप में ये पर्व मनाते हैं। पंचमी के दिन भगवान को बाने बिठाया जाता है, हल्दी लगाई जाती है और अभिषेक प्रारंभ होता है। 11 ब्राह्मणों से प्रतिदिन भगवान का लघु रुद्रादि अभिषेक होता है और सांध्य काल में 5 बजे के स्नान के बाद प्रतिदिन अलग अलग रजत प्रतिमा भगवान महाकालेश्वर की प्रतिमा पर धारण करके ये उत्सव का पर्व मनाते हैं। प्रथम दिन पंचमी पे भगवान को शोला दुशाला मेखला इत्यादि वस्त्र धारण कराते हैं। इससे पहले कोटेश्वर महादेव भगवान का विशेष अभिषेक और पूजन किया गया। भगवान का पूजन 11 ब्राह्मणों ने एकादश एकादशनी रुद्राभिषेक से किया और पूरे शिव नवरात्र के दौरान ये किया जाएगा। 8 मार्च को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाना है और इस दिन पूरे 24 घंटे बाबा अपने भक्तों को दर्शन देंगे। अजय कुमार पटवा, News 18, उज्जैन। वक्त एक ब्रेक का है, खबरें लगातार जारी है।